हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आशा कुछ होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से हेल्थ आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे। हेल्थ आईडी कार्ड जिन्होंने बनाना है या बनाना सीखना है या बनाना चाहते हैं वो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, नहीं तो मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप उसको देख लें पहले जो बनाना चाहते हैं। और जिन्होंने का बना हुआ है और वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है, खास अच्छी खासी उनके लिए हेल्पगार और मददगार रहेगी। तो ज़्यादा ना समय लेते हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना होगा health.ndhm.go.in। मैं इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इसका पेज है उस पर ले जाएगा। मोबाइल जो क्रोम ब्राउजर है उसकी तीन जो डॉट होते हैं, बिंदी होते हैं, उस पर जाके डेस्कटॉप साइट पे कर लें, इसको एक कंप्यूटर की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा आपको, और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ होम, लॉगिन, जनरेट आईडी, फैसिलिटी, कॉन्टैक्ट और फेक यू। तो आपको लॉगिन पे ओके करना होगा। लॉगिन पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप सभी तरीके से लिखा हो, देखिए हेल्थ आईडी नंबर तो वो डाल दें आप, और उसके बाद पीएचआर एड्रेस है तो आप वो डाल दें। उसके बाद यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लें, ठीक है, आराम से आप अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ को ऊपर नीचे करके स्क्रॉल अगर आप टाइप करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें नहीं लगता, अगर आप वैसे लगाएंगे डेट ऑफ बर्थ इसमें से चूज करके कैलेंडर की तरह तो फिर इसमें सही लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रोबोट चेक मार्क कर दें, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट ओके कर दें। सबमिट ओके करने के बाद यहाँ पर लिखा क्वांटिटी योर अकाउंट, तो आप जो आपने मोबाइल नंबर इसमें जोड़ा था हेल्थ आईडी कार्ड में उस पर एक ओटीपी भेजा, तो आप उसमें भेजिए लॉगिन वाया मोबाइल ओटीपी, तो इस पर ओके कर देते हैं नीचे वाले पे। तो जो हेल्थ आईडी कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। तो वन टाइम पासवर्ड है जो हम उसको देख लेते हैं कि क्या आया हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऊपर से एक बार वन टाइम पासवर्ड हम डाल देते हैं यहाँ पे, लॉगिन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हेल्थ आईडी कार्ड है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, शो हो रहा है। और उसके बाद मैं तुम्हें आप बता दूँ एक चीज़ और, यहाँ पे मई अकाउंट है साइड में, यहाँ पे आप जाके प्रोफाइल है जो उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसमें ईमेल अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद EKYC वेरीफिकेशन उसको भी कर सकते हैं। और आप अगर इसमें डीएक्टिवेट डिलीट हेल्थ आईडी का अगर उसको आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं हमेशा के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मई बेनिफिट्स, इसमें क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी करंट में कोई अपना ऐसा इसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो जो लाभ मिलेंगे वो बाद में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हेल्थ आईडी कार्ड बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पे आप नीचे जो देखो इस पर लॉग आउट करके इसको लॉग आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर वाला जो हेल्थ आईडी QR कोड इसको आप देख रहे हैं, देखिए बना हुआ आपको दिख रहा है। तो आज का जो टॉपिक था आपको समझ आ चुका होगा बेखूबी से आराम से, तो आज का जो टॉपिक था वो था कि आपको QR कोड को कैसे डाउनलोड करें। तो आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।